दुकान तो कस्टमर था थोड़ा। बताइए। अरे अभी हम कुछ नई बातें सुने हैं आपकी। क्या कमल भाई से बात कर रही थी हमारी शादी के बारे में, तो बताने के कैसा हो गया है? हाँ तलाक दे दिया। अभी तो यार कई महीने भी शादी की। हाँ तो 2 महीना हुआ, 3 महीने शायद। तो जैसे कहा नाम इतने जल्दी जैसे सब अलग हुई वो मामला? मामला तो यार शुरू से अलग था, वो तो मजबूरन सब कुछ करना पड़ा था। यहाँ आने बाद तलाक देना ही पड़ा। तो यहाँ से तलाक है फोन पर दिए? फोन पर दिए। हाँ वो तो हमारी तलाक आप बच गए, तुमको तो मरने कमर भाई बचा लिए। जो बार बोले थे तिथि तिथि बोलना था, तो जो हम लोग मान लिए कि हम 3 बार बोल दिए, तो हम नहीं हम 2 बार बोले, एक बोले 15 दिन पहले, एक बोले कम से कम 1 महीने के बाद, और एक बाकी था। तो फोन पे जो है 3 बार बोलने से तलाक हो जाती है? बिल्कुल। और क्या जितने कानून बन जाए इसको नहीं रखना है, रखना मजबूत कर ले जाए, माँ चुता फांसी हो जाए, लेकिन लड़की को नहीं रखेंगे। वही हाल है मेरा, फांसी दे दो लेकिन लड़की को नहीं रखेंगे। उसने केसेस भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं था। आखिरी में क्या होगा भाई, सीधा सीधा नाचेंगे, इधर उधर टहलेंगे, घूमेंगे, अपना जोर शोर लगाएंगे। जब देखेंगे भाई काम नहीं चल पा रहा है, तो फिर जग मार के बैठ जाएंगे चुपचाप। कल पैसे की बात करने के लिए जा रहा है। मैरिज हुई थी? हाँ तो इसीलिए तो मतलब मैरिज मादर से चलती कहाँ? भाई कल लड़की घर जाया जाएगा भाई, भेजा जाएगा नेता नगरी वालों को, पुलिस पुलिस वालों के साथ। अभी बता रहे थे भाई, भाई पुलिस वाले आए थे तुम्हारे घर पे परफॉर्मर को बता रहे थे। नहीं कल फोन किया गया था, अब्बू पास अब्बू थाने गए थे, कल बातचीत हुई थी। तो बातचीत होने के बाद वो अब्बू थोड़ा गुस्सा गर्मी दिखाने लगे, तो पुलिस वाले ने बैठा लिया, थोड़ा ज्यादा टाइम 7-8 घंटे तक बैठा लिया। मारे पीटे कहाँ भोसड़े वाले। तो लड़की तो फिलहाल कमर भाई के पास कॉल करे इसकी अब्बू को, क्योंकि हम तो घर से कांटेक्ट में है ही है, हमें सब कुछ पता ही चल रहा क्या हो रहा है वहाँ। तो फिलहाल जो है अब कल लड़की के घर भेजा जा रहा है, एक पुलिस वाले को, एक वकील को, एक नेता, 3-4 लोग जा रहे हैं भाई कि मामला कैसे खत्म करना चाहती हो। अगर ऐसा भैया जो डिमांड है बताओ, दे दिया जाए, खत्म करो, नहीं तो भाई FIR करना, FIR करो, लड़ते रहो केस। फिर हम यहाँ बैठे हैं, मेरी नोच लो, घर वाले वैसे भी बेदखल कर चुके हैं। मैं घर वाले से हमने खुद कहा कि हमें बेदखल करो, अपने आप को बेदखल करा लिए भैया, वो ज्यादा अच्छा। मतलब तलाक होने से पहले, तलाक होने से पहले शादी के 10 दिन के बाद घर में पता चली, घर वाले हमें निकाल दी, फिर हमने कहा बेदखल करो, सारी प्लानिंग के साथ किया था ये सब। घर वाले हमें निकाल दिन, बेदखल करवाया, लड़की के साथ रहने लगे, माँ चुदा यहाँ आ गए, घर वाले नाम से मिले ना, हम सऊदी जब आ रहे तो जब से घर से निकाल लगे, हम अपने घर वालों का चेहरा नहीं देखा। बात भले ही हो जाती है, हमारे गांव में एक बेदखल हुआ रहा है अपनी बच्ची शादी की, तो आज तक के बेदखल है दूसरे गाँव में आते, तो हम तो जानबूझ के बेदखल कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, जो भी लड़की 2-4-5-10 मांगे मादरचोद कल दे के खत्म करे मामला मादरचोद। लेकिन पैसे की डिमांड तो बताए कितना मांगना चाहती है, जिंदगी बर्बाद हो गई बेचारी की। जिंदगी तो लड़की बर्बाद हुई मार, जो लड़कों की जिंदगी कभी खराब हुई है, जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। एक चीज सामने इज्जत और बेइज्जती 4 दिनों की होती है, इससे ज्यादा नहीं होते किसी की। अगर किसी की बेइज्जती हुई तो बस 4 दिन आदमी बात करता है, उसके बाद में भूल जाता है। एक बार अगर सामना हो तो पूछ लेगा, हाँ भाई नूर भाई क्या हुआ, हाँ भाई हसन भाई क्या हुआ, बता दिया, दोबारा कोई नहीं पूछता। यार शादी करके आओ, नहीं दावा थावत करो, और माँ बिला भाभी से भी अलग हो गया तो नहीं, अभी तो कमर से बात करने लग गई, पूछे आजाद की बात है,
देखो हसन भाई, एक लड़की होती रहने वाली, एक लड़की होती नहीं रहने वाली, और जो चीज अगर जबरदस्ती से की जाए तो वो चीज ज्यादा दिन तक चली नहीं पाती है। आप जबरदस्ती तक रखोगे अपने पास किसी को, जब आपका दिल ही नहीं गवारा कर रहा है उसके साथ रहने का, तो कैसे रह लोगे। तो ये सब हुआ भाई, हमने सीधा सा तलाक दिया अपनी माँ चुदा, तुम्हें केस करना है केस कर दो, कर रही है, FIR लिखी नहीं जा रही उनकी, थाने पैसा जमा कर दिया, SSP ऑफिस को डाल दिया पैसा, 50,000 रुपया डाल के आए शाम को। घर वाले जो है वो जबरदस्ती नाम लिखवाए हुए हैं। तो ये सब जो हम लोग का नाम ना है, मतलब घर वालों का नाम ना है, बाकी लड़के की तुम गाड़ फाड़ दो सऊदी से बुला के, हमसे मतलब नहीं है लड़के से। बाकी ये हम लोग जो नाम ये लिखवा रहे हैं, हम बेदखल कर चुके हैं, तो इस मामले के पैसे दिए जा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर ये किया जा रहा है कि भाई चलो खत्म करो, जो पैसा चाहिए तुम तलाक दो, राजीनामा लिखो कि हाँ भाई हम अपने मन से अलग हो रहे हैं, खत्म बात। जो पैसा तुम्हें चाहिए 2-4-5-10 लाख रुपए वो बताओ भाई, दे दिया जाए, खत्म करो पूरा तरीके से। यहाँ तो हम लोग 50 लाख देने के लिए तैयार थे, अगर ये सब ना करती माता तो 50 लाख दे देते, लेकिन ये सब कर दे तो उसकी माँ की चूत 10 मांगेगी 10 दे दिया जाएगा। मुंह तो खोलेगी बड़ा सा, वो जानती कि इन लोग कैसे हैं, पैसे वाले हैं, ये गरीब है, लेकिन 10 लाख का मांगेगी 10 लाख दे दिया जाएगा। उसमें भी ये है कि सामने वाले को ये नहीं दिखाएंगे हाँ तुरंत तैयार हो गए, 10 लाख मांगेंगे तो उसमें भाई कम करने की कोशिश करेंगे, तोड़ तो करवाएंगे, जब बीच में जो पड़ रहा है उससे कहेंगे भाई कम करो, तो अभी उसको भी तो लगे कि हाँ भाई पैसा नहीं है इन लोग के पास, ऐसा 10 लाख मांगे हम लोग कहेंगे हाँ दे ले लो खत्म, तो वो और माचू जाएगी, फिर कहेगी और ज्यादा मिल सकता है। तो इसलिए तो अभी 1-2 साल जा भी नहीं पाओगे, 2-3 साल आए सही, केस नहीं खत्म होगा जब तक मैं इंडिया जाऊंगा ही नहीं। ये भी ऐसा है, ये भी है कि इंडिया अगर हमें यहाँ सऊदी से जाना पड़ा किसी चक्कर में, बहस होगा तो हम सऊदी ना जाके, सऊदी से तो निकल जाएंगे लेकिन दुबई भाग जाएंगे, इंडिया तो जाऊंगा।